ठीक है ओल ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इंग्लिश टाइपिंग विदाउट एनी लैपटॉप एंड मॉनिटर वाले टॉपिक में लेसन वन बताया था, लेसन वन का रिवीजन प्रैक्टिस करवाया था कीबोर्ड के साथ और लेसन टू भी बताया था, तो आज लेसन टू का रिवीजन प्रैक्टिस विद कीबोर्ड किसके साथ रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा किसके साथ, कीबोर्ड के साथ। और लेसन टू में कौन सा की के बारे में पढ़ते हैं, अपर लोग की के बारे में। चलिए आज अपर लोग की को देखते हैं, पहले पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने एक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और क्या है राइट हैंड है, और लेफ्ट हैंड की इधर कौन सा की आता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर, उसके बाद राइट हैंड की इधर पी ओ आई यू वाई यू, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड की इधर क्या आता है टी आर ई डब्ल्यू क्यू, और राइट हैंड की इधर वाई यू आई ओ पी, ठीक है। कहने का मतलब है अपर लोग की में, अपर लोग की में क्यू डब्ल्यू ई आर टी टी पी ओ आई यू वाई यू यू, ये अल्फाबेट अपर लोग की में होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की इधर हम क्या टाइप करेंगे क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर की, और राइट हैंड की इधर पी ओ आई यू आई की, और फिर लेफ्ट हैंड की इधर टी आर ई डब्ल्यू क्यू की स्पेस, फिर राइट हैंड की इधर वाई यू आई ओ पी की। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो पहला वाला जो टाइप होगा ये सिक्स डे का होगा, सॉरी सिक्स डे में होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने फाइव डे में क्या क्या टाइप करना है, उससे पहले क्या टाइप करना है मैंने ये बता चुका है। तो ये जो किया जाएगा किसका क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर स्पेस पी ओ आई यू वाई यू, ये सिक्स डे आपको टाइप करना है, और लेफ्ट हैंड टी आर ई डब्ल्यू क्यू स्पेस राइट हैंड वाई यू आई ओ पी, ये आपको सेवंथ डे में टाइप करना है, सेवंथ डे टाइप नहीं करना है, सेवंथ डे में टाइप करना है, यानी सातवें दिन में इसे टाइप करना है, छठवें दिन में इसे टाइप करना है, ठीक ना। नहीं तो ऐसा मत सोच लीजिएगा छह दिन इसको टाइप करना है तब सात दिन इसको टाइप करना है, नहीं, ये छह दिन का ये छठवां दिन टाइप होगा और ये सातवें दिन टाइप होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड यहां से लेके यहां तक जितने भी अल्फाबेट आए हुए हैं इसको पिक करके कुछ वर्ड बनाया गया है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो देख लेते हैं क्या है वर्ड प्रैक्टिस, जिसमें क्या आ रहा है पी आ रहा है क्यू आ रहा है क्यू आ रहा है पी आ रहा है डब्ल्यू डबल ओ डब्ल्यू, ये क्या है डब्ल्यू है डब्ल्यू ई आई आई ई यू आर आर यू टी आर वाई वाई आर ई क्यू यू आई पी आर ओ यू पी आई डब्ल्यू ओ क्यू आर यू आर आर टी वाई टी आर यू क्यू यू आई टी आर वाई पी क्यू एस ई डी एस डी ई आर के पी डी एफ एफ डी एस डब्ल्यू ई एल डब्ल्यू ई आर वाई के एच डी एच डब्ल्यू यू पी पी क्यू ओ यू आर आर ई टी यू टी के ई आई ओ डब्ल्यू ए एल पी क्यू ओ आर यू। कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी अल्फाबेट हैं और होम रो में जितने भी अल्फाबेट है उस दोनों को मिला करके, उस दोनों के अल्फाबेट को पिक करके ये वर्ड बनाया गया है, और इसका प्रैक्टिस करना बेहद इंपॉर्टेंट है हमारी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जब ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये छठवें दिन प्रैक्टिस करना है, ये सातवें दिन प्रैक्टिस करना है, और ये आठवें दिन प्रैक्टिस होगा, ठीक ना, आठवें दिन में प्रैक्टिस होगा, ये छठवें दिन में, ये सातवें दिन में, ये आठवें दिन में प्रैक्टिस होगा। ये जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद कुछ और वर्ड आते हैं जो कि होम रो और क्या कहते हैं अपर रो की से बने हैं, कौन सा जिसे क्या कितने मिनट में करना है, वन मिनट में करना है, वर्ड ओनली इन वन मिनट। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा वर्ड है, टूडे सॉरी हरी ग्लैडली गोल्ड गोड फेयरली शार्पली राइट रीड डायरी लीगल इलीगल देयर फॉर ट्रस्ट एड्रेस किल फायर सेड टू टोल्ड टेल सेल लीड सुड, ठीक है, लीड और सुड। तो कहने का मतलब है ये जो है इसे नाइन्थ डे में करना है, नाइन्थ डे में प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस वन मिनट में होना चाहिए, वन मिनट से, ठीक है, कोशिश कीजिए पहले होने का, नहीं तो वन मिनट में, जिसका वन मिनट में टाइप हो जाएगा ये वर्ड, उसका स्पीड जो है 40 प्लस होगा,
क्योंकि होम रो में भी और क्या कहते हैं अपर रो की अपर रो में भी, इस दोनों में भी वर्ड बताया गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे किसके साथ, कीबोर्ड के साथ। चलिए हम चलते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ गए अपने कीबोर्ड पे। अब हम अपर रो की के अल्फाबेट की और वर्ड प्रैक्टिस और ओनली वन मिनट में लिखाए गए वर्ड का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम फिंगर रख लेते हैं होम रो पे, इसे कहते हैं होम रो, इसे अपर रो और इसे लोअर रो कहते हैं या डाउन रो कहते हैं। और जब भी हम फिंगर रखते हैं वो रखते हैं होम रो पे, ठीक है। तो हमने होम रो पे फिंगर रख लिया और इस फिंगर से हम जी की कमांड करते हैं होम रो पर और इस फिंगर से हम एच की कमांड करते हैं। उसी तरह इस फिंगर से हम वाई पी का कमांड करते हैं अपर रो की पर और इस फिंगर से हम टी का कमांड करते हैं अपर रो की पर, ठीक है। और अपने हैंड को इस तरह से रखेंगे जिससे हमारा टाइपिंग स्पीड और भी फास्ट हो और किसी भी की को प्रेस करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अपर रो की में अल्फ़ाबेट लेफ्ट हैंड की ओर क्या था, तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर स्पेस पी ओ आई यू वाई यू, ये आपके छठे दिन में करना था, ठीक है। तो चलिए क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर स्पेस राइट हैंड पी ओ आई यू वाई यू, ठीक है। फिर इसका रिवर्स जो सातवें दिन में करना है वो क्या है, टी आर ई डब्ल्यू क्यू स्पेस वाई यू आई ओ पी, ठीक है। टी आर ई डब्ल्यू क्यू स्पेस राइट हैंड वाई यू आई ओ पी। तो चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इसको अब स्पीड में। तो हमारा फर्स्ट में छठे दिन में क्या करना था, क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर जो कि लेफ्ट हैंड की ओर करना था, स्पेस पी ओ आई यू वाई यू, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर स्पेस राइट हैंड पी ओ आई यू वाई यू, ठीक है। स्पीड में क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर स्पेस पी ओ आई यू वाई यू टी आर ई डब्ल्यू क्यू और वाई यू आई ओ पी, ठीक है। फिर टी आर ई डब्ल्यू क्यू स्पेस वाई यू आई ओ पी, ये आपको सातवें दिन में करना था। चलिए अब हम क्या करेंगे, वर्ड का प्रैक्टिस करेंगे जो अपर रो की और होम रो की से रिलेटेड है। तो चलिए वो हमने लिखाया था वर्ड प्रैक्टिस में, तो क्या लिखाया था हमने, पी क्यू क्यू पी डब्ल्यू डबल ओ ई आई आई ई आर यू टी आर डबल वाई टी आर वाई वाई आर ई क्यू यू ओ आई पी आर ओ यू पी आई पी आर ओ डब्ल्यू ओ क्यू आर यू आर आर टी आर वाई ई वाई वाई टी आर यू क्यू यू आई टी टी आर वाई पी क्यू एस डी ई आर के पी डी एफ एफ डी एस डब्ल्यू ई एल डब्ल्यू ई आर वाई के एस डी एस डब्ल्यू यू पी क्यू पी ओ यू आर आर ई टी यू टी के ई आई ओ डब्ल्यू ए एल पी क्यू ओ यू आर फुल स्टॉप, ठीक है। तो हमने जो वर्ड प्रैक्टिस लिखाया था वो हमने कर लिया। एक बार फिर से इसको स्पीड में करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका स्पीड ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर या आप होम रो का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, होम रो की का प्रैक्टिस कीजिएगा और अपर रो की का प्रैक्टिस कर लीजिएगा लेसन वाइज, तो ये आपका वर्ड प्रैक्टिस और भी ऑटोमेटिक आपका फिंगर जो है वहां पर चला जाएगा वर्ड प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। तो चलिए स्पीड में हम कर लेते हैं। क्या है हमारा, हमारा है पी क्यू क्यू पी
तो चलिए हमने वर्ड प्रैक्टिस कर लिया, अब ओनली 1 मिनट में जितने भी वर्ड मैंने लिखाए थे अब उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्या था हमारा टूडे, TODAY होगा कि टूडे होगा ना, हाँ गलत लिखा गया है, TODAY होता है, सॉरी GLADLY, ग्लेडली गोल गोल, जैसा कि आपने देखा हमने ओनली 1 मिनट में जितने भी वर्ड लिखाए थे हमने उसका प्रैक्टिस किया, और आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कुछ दिन बाद जो है ये 1 मिनट के अंदर ही इसका क्या है, तो 1 मिनट के अंदर ही आप टाइप कर पाइएगा, अगर आपका होम रो की और अपर रो की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो। और जितने भी वर्ड है वो जो है आपका ऑटोमेटिक आपका फिंगर उसके अकॉर्डिंग आपके सोचने से पहले ही चला जाता है, अगर जहाँ आपका होम रो की और अपर रो की का प्रैक्टिस अच्छी तरीका से हुआ हो। तो हमने होम रो की लेसन 1 में बताया हुआ है, ठीक है, वो मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में है। फिर उसके बाद मैंने आज बताया क्या लेसन 2 अपर रो की का, और उसका प्रैक्टिस करवाया लेसन वाइज, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी ब्लैक बोर्ड की ओर, नेक्स्ट वीडियो में बिहारी बाबू आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या बिहारी बाबू कौन, अरे बिहारी बाबू कौन जैसे कि हम, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, तब तक के लिए जय महेशमती, सब ठीक है, ठीक है।